नमस्कार साथियों, एक इम्पोर्टेंट मैसेज पे आप लोगों के साथ बात करना चाह रहा था भाई। आपको पता ही है सब लोगों ने, अभी जो ब्रिटेन में एक अलग ही कोरोना वायरस आपको निकल के सामने आया ऐसा सुनने में आ रहा है। इसको देखते हुए बहुत सारी कंट्रीज ने फ्लाइटों पे वापस कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। जी हाँ, जिसमें कुवैत और सऊदी अरबिया सबसे आगे, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। वो पहले भी आगे ही थे भाई, कहाँ फ्लाइटें चालू थी आपको सबको पता है ना। कुवैत ने भी यूं कुंडली मार के बैठ गया नाक की तरह, सऊदी अरबिया भी यूं बैठ गया। ये तो दुबई एक भला हो दुबई का कि उन्होंने फ्लाइटें चालू करी, इस वजह से थोड़ा बहुत आदान प्रदान हो सका, वरना तो गल्फ कंट्रीज में करोड़ों लोग, 1 करोड़ के ऊपर लोग रहते हैं, उनकी सबकी बैंड बज जाती। इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे। अचानक आपको पता है सऊदी की फ्लाइटें बंद है, कुवैत की फ्लाइटें बंद है, इस वजह से इंडियन लोग एक फार्मूला करके, आपको पता है इंडियन लोग तो वैसे भी तिकड़मबाज होते हैं ना, जिसको बोलते हैं जुगाड़ी, वो जुगाड़ करके बेचारे पैसों का इंतजाम कर कर आगे दुबई पहुंच रहे हैं, 14 दिन क्वारंटाइन रह के फिर वो आगे सऊदी कतर जाने की सोच रहे हैं। जी हाँ, 300 इंडियन लोग फंस चुके हैं। जी हाँ साथियों, 300 इंडियन लोग फंस चुके हैं दुबई एयरपोर्ट के अंदर। अब कैसे फंसे मैं बता दूं, ये लोग क्या किया, ये जो सऊदी के रहने वाले बंदे थे, सऊदी में जॉब कर रहे थे, ये टूर पैकेज एजेंटों के माध्यम से टूर पैकेज आपको पता है मिलता है भाई, जो 50,000 60,000 में इतना 14 दिन का देकर आपको दुबई या सऊदी वगैरह जहां पर भी आप जाना चाहते हैं पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये लोग 14 दिन क्वारंटाइन रह चुके थे दुबई में। जी हाँ, इनका खर्चा हो चुका था दुबई से पर पहुंच के एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद अचानक से आपको पता है फ्लाइटें सऊदी अरबिया ने अस्थायी तौर से स्टॉप लगा दी। आपको पता है ना, अभी दो दिन पहले की न्यूज है ये, तो अस्थायी तौर से रोक लगा दी, उधर उनका वीजा खत्म हो गया, एयरपोर्ट तक पहुंच गए, एयरपोर्ट के अंदर आ गए, आगे फ्लाइटें बंद हो गई। जी अब उनका क्या होगा, 300 इंडियन लोग हैं टोटल के टोटल, अलग अलग स्टेटों के जाए गए हुए लोग हैं, जो बेचारे 14 दिन क्वारंटाइन रह चुके थे दुबई में, अचानक से ये लफड़ा हो गया ब्रिटेन की वजह से, इंग्लैंड की वजह से, अलग वायरस होने की वजह से इंडिया ने भी फ्लाइटें, सब कंट्रीज ने ब्रिटेन की फ्लाइटें बैन कर दी। और इस चक्कर में भैया फिर आपको पता है औरों क्यों भी फिर मौत के साथ में घुण फिसा जाता, वो बात सुनी होगी। तो इसमें ये फिर प्रॉब्लम आ गई, सऊदी ने भी फ्लाइटें बैन कर दी कि भाई दुबई से भी सऊदी फ्लाइट नहीं जा सकती, तो ये लोग भी दुबई से सऊदी कैसे पहुंचेंगे। तो इनको फिर 300 बंदों को पता, वहां पे दुबई में जो मरकज है, मरकज जिनको बोलते हैं, जो एक धार्मिक संस्था है, उनको पता चला, उन्होंने फिर उनको पूरा इंतजाम किया उनका रहने का खाने का। जी हाँ, अभी तक मेरे पास इतनी ही न्यूज पहुंच पाई है कि 300 इंडियन वर्कर हैं, उनका उनकी तरफ से इंतजाम किया गया रहने का खाने का, क्योंकि वो लोग फंस चुके हैं। अब वो अगर फ्लाइट स्टार्ट हो गई 1-2 दिन में तो वो लोग निकल पाएंगे, वरना तो भाई उनको इंडिया ही वापस आना पड़ेगा। कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, सोचने की बात है। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा देख लें, सोच लें, समझ लें, अभी स्थिति खराब, वापस ये इंग्लैंड की वजह से हो रही है तो 5-10 दिन मैटर गड़बड़ाएगा, हालांकि वापस रूटीन में आ जाएगा फ्लाइटें, इतना इतना मुझे नहीं लगता बंद हो पाएगी, क्योंकि कोरोना है भाई, ये तो 2021 में भी ऐसे ही चल रहा है, समझ गए बात को। तो इस बात को थोड़ा सा जाने से पहले सोच ले, समझ ले, अभी आप जाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा दिन और वेट कर ले, वरना आपको नुकसान हो सकता है, फिर गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। क्योंकि जो मुझे पता है, जो लोग इंडिया से दुबई, दुबई से सऊदी जा रहे हैं ना, 80% लोग उसमें गरीब तबके के लोग हैं, जो ब्याज पे पैसा उठा के लेके जा रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ब्याज का पैसा भी चुकाना मुश्किल हो जाएगा। बस ये जानकारी आप लोगों को देनी थी, इससे रिलेटेड ये 300 लोगों को मरकज वालों ने थामा है, वो उन्होंने रोक रखा है, रहना खाना उनकी तरफ से मिल रहा है। आगे कोई अपडेट आएगी तो हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।